मित्रों, समस्याएं उतनी ताकतवर कभी नहीं हो सकती जितना हम उनको मान लेते हैं। क्योंकि आपने मित्रों कभी सुना है कि रात्रि ने सुबह नहीं होने दी। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एल नाम वाले लोगों के जुलाई और अगस्त महीने के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एल नाम वाले लोगों के जुलाई और अगस्त महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एल लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एल नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद एल नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं कि एल नाम वाले कैसे होते हैं। बहुत ही आकर्षक लोग होते हैं, बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं। ये लोग हर बात में सबसे ऊपर रहना पसंद करते हैं और अपनी समस्याओं का हल खुद ही निकालना पसंद करते हैं। बहुत ही चतुर होते हैं, पराक्रमी और साहसी होते हैं, दृढ़ संकल्प वाले होते हैं और उच्च आचरण वाले होते हैं। परंतु अगर इनसे आपका झगड़ा या बहस हो गई तो ये फिर अपनी बात पर अड़िग रहते हैं और जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको जल्दी ही समाप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। भावुक स्वभाव वाले लोग होते हैं और इन पर अगर कोई कभी कोई उपकार कर दे तो ये उसका उपकार कभी नहीं भूलते। ये लोग दूसरे के कामों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के होते हैं। अगर कोई भी समस्या जीवन में आती है तो उससे तुरंत बाहर निकलना चाहते हैं। समस्या का अगर समाधान नहीं मिले तो बहुत जल्दी बेचैन हो जाने वाले लोग होते हैं। काफ़ी जागरूक रहते हैं। अगर कोई सीखने को कुछ भी इन्हें किसी व्यक्ति से मिलता है तो ये उसको सीखने में देर नहीं लगाते और ये लोग दूसरों को अपनी राय बताने में बहुत खुशी जाहिर करते हैं और ज़रूरत के मुताबिक अपने लिए माहौल तैयार कर लेते हैं और हर कोई व्यक्ति इनकी बातों पर ध्यान भी देता है। अपनी चाहत को ये किसी भी कीमत पर हासिल करने का प्रयास करते हैं और हासिल करते हैं। बड़े खुददार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जैसे को तैसा वाले स्वभाव पर यकीन करते हैं, खुद पर बहुत विश्वास रखते हैं। कभी भी ये लोग लाभ कमाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेते। इनका स्वभाव हमेशा एक जैसा रहता है, अपने दिल में कुछ भी छुपा कर नहीं रखते। जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं। जीवन के कठिन दौर में भी ये अपने मूल स्वभाव में ही रहते हैं। जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा और उत्साह वाले होते हैं, जो निडरता और अपने साहस के लिए जाना जाता है। अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने में विश्वास रखते हैं। इन्हें अपनी विचारधारा के साथ किसी तरह का कोई समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अपने आसपास और खुद भी सफाई बेहद पसंद करते हैं और प्रत्येक कार्य को भी सफाई से ही करना पसंद करते हैं। इन्हें कोई भी काम मिले, सतर्कता पर इनका ध्यान पहले जाता है और अक्सर ये उदार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। इनकी कल्पना और निरीक्षण शक्ति भी बहुत अच्छी होती है और गुस्सा जल्दी आता है। इन्हें अपमान बर्दाश्त नहीं होता और जिद्दी होने के साथ साथ हमेशा अपने परिवार में किसी न किसी सदस्य से कोई न कोई छोटी मोटी खटपट इनकी चलती रहती है और इनको अक्सर मनचाहा साथी नहीं मिल पाता है। अपने प्रेमी प्रेमिका को, अपने जीवन साथी को बहुत ही सक्रिय और आकर्षक देखना चाहते हैं। प्रेम में बहुत आश्वासन चाहिए होता है इनको और जीवन साथी के साथ निजी संबंधों के मामले में काफ़ी आदर्शवादी होते हैं, जिसके चलते इनके रिश्ते में कई बार संघर्ष देखने को मिलता है। और प्रेम के मामले में जो ये लोग होते हैं बहुत ही सफल होते हैं। इनका वैवाहिक जीवन भी सफल रहता है। काफ़ी ईमानदार होते हैं, जिससे प्रेम करते हैं उसका जीवन भर साथ निभाने का प्रयास करते रहते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं एल नाम वाले। चलिए मित्रों, अब एल नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम एल नाम वाले लोगों के धन की बात करेंगे। धन और आय दोनों मामलों में आपको बेहतर परिणाम ही मिलेंगे। आपके नियमित स्रोतों से आय भी होती रहेगी। जो भी व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं, आपकी आय नियमित स्रोतों से होती रहेगी और धन का आवागमन भी सुचारू रूप से जारी रहेगा।
और धन और आय के मामले में जुलाई और अगस्त दोनों महीने आपको कोई दिक्कतें दिखाने वाले नहीं हैं। वहां पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बस थोड़ा सा बजट बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। कोई न कोई खर्च परिवार के सदस्यों को लेकर या खुद को लेकर हो सकता है। वहां पर आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और धन और आय के लिए बेहतर समय रहने वाला है। बात करें आपके व्यापार और नौकरी की। व्यापार और नौकरी में, खासकर नौकरी में समय अच्छा है। वहाँ पर आपके नियमित स्रोतों से आय भी होगी, यानी जहाँ भी आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा आपको अहम से बचकर रहना होगा, क्रोध से बचकर रहना होगा, गलत फहमियों से बचकर रहना होगा। आपके साथियों के साथ गलत फहमियों के चलते कोई वाद विवाद ना हो आपके कार्य क्षेत्र में, जहाँ भी आप नौकरी करते हैं। आपके बॉस के साथ संबंध अच्छे रहें, इस बात का ध्यान रखें। अपने बड़ों के साथ संबंध अच्छे रखें अपने कार्य क्षेत्र में, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और कारोबार और व्यापार करते हैं तो वहाँ पर व्यापारी और कारोबारियों के साथ भी संबंध आपको अच्छे रखने होंगे, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। तो व्यापार कारोबार हो या नौकरी हो, संबंधों में मधुरता बनाकर रखना बहुत आवश्यक है जुलाई और अगस्त के महीने में, क्योंकि ये दो महीने ऐसे होंगे जब आप में तनाव देखने को मिलेगा। आप बहुत जल्दी जल्दी अपने साथियों पर शंका कर सकते हैं, गलत फहमियाँ कर सकते हैं और उस कारण व्यर्थ के बाद विवाद हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। हालांकि अचानक लाभ भी आपको कोई न कोई देखने को मिल सकता है, लेकिन अचानक कोई न कोई खर्चे भी आपके व्यापार कारोबार में परेशान कर सकते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें जुलाई और अगस्त के महीने में। पारिवारिक जीवन की बात करें, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, वहाँ पर परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। और आप देखें तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ा सा आपको मधुरता बनाकर रखनी है। वहाँ पर किसी प्रकार की शंका या गलत फहमियाँ ना करें, वहाँ पर संबंध अच्छे होना बहुत आवश्यक है। यानी कि आप अपने बड़े भाई बहनों के साथ गलत फहमियों से बचकर रहें, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, माता पिता के साथ संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी, जीवनसाथी के साथ संबंधों में किसी भी प्रकार की गलत फहमी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो पारिवारिक जीवन जुलाई और अगस्त के महीने में अच्छे परिणाम देगा। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के लिए अगर हम देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन जुलाई के महीने में अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वहाँ पर वो समस्या आपको परेशान कर सकती है। और बाकी स्वास्थ्य के मामले में जुलाई और अगस्त में अगर देखें तो सामान्य रूप से कोई समस्याएँ नहीं हो रही हैं, लेकिन पहले से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ आपको परेशान अवश्य कर सकती हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में मैं सदैव यही कहता हूँ, आप कभी भी कोताही ना बरतें। स्वास्थ्य में अगर कभी भी कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें। वैसे स्वास्थ्य के लिए सामान्य परिणाम की उम्मीद जुलाई और अगस्त के महीने में आप कर सकते हैं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए दोनों महीने काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे और शिक्षा में आप काफ़ी अच्छा करते हुए नज़र आएंगे। आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा और शिक्षा आप किसी भी प्रकार की ग्रहण कर रहे हैं, आप वहाँ पर बेहतर करते हुए नज़र आएंगे। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यापार कारोबार आपको फ़ायदा देगा, नौकरी भी फायदा देगी। अगर आप अध्यापक हैं तो भी आपको वहां पर फ़ायदा मिलने वाला है। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में जुलाई और अगस्त आपको लाभ दिखाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ अगर आपके परिवार के किसी सदस्य का कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसको आप जुलाई के महीने में समाप्त कर सकते हैं। और जुलाई और अगस्त के दोनों महीने ऐसे रहेंगे जब आप अपने जीवन साथी के साथ अपने परिवार के सदस्यों के वाद विवाद समाप्त कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई मतभेद चल रहा है तो उसे भी आप जुलाई और अगस्त के महीने में समाप्त कर सकते हैं। जुलाई और अगस्त का महीना वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा है। वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार के कोई भी मतभेद भी समाप्त हो सकते हैं और वैवाहिक संबंधों में आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे और रोमांस भी रहेगा। और जीवन साथी के साथ संबंधों में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं हैं तो उनको समाप्त करने का भी समय अच्छा है। यानी दोनों महीने बेहतर परिणाम आपको वैवाहिक संबंधों में दिखाने वाले हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। इस समय आपकी वाणी में थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। क्रोध और अहम के चलते, गलत फहमियों के चलते कहीं भी कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलना बहुत ही आवश्यक है। बाकी अगर बात करें हम प्रेम संबंधों की तो प्रेम संबंधों के लिए जुलाई और अगस्त दोनों ही अच्छे हैं। अगस्त के महीने में खासकर 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का ऐसा समय होगा जब आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ अपने अहम
नियम के चलते कोई ना कोई वाद विवाद कर सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें कि आपका वाद विवाद ना हो, यानी आप में अहम की भावना ना आए, और आपके अंदर थोड़ा तनाव तो बना ही रहेगा जुलाई और अगस्त के महीने में। तनाव के चलते किसी भी प्रकार का अपने साथी के साथ व्यर्थ का वाद विवाद ना करें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो आप उसे इन दोनों महीनों में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर किया गया प्रयास आपको आसानी से सफलता दिला सकता है। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, जुलाई का महीना बेहतर है, वहां प्रस्ताव दे सकते हैं और आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। अगस्त में भी आपको सामान्य परिणाम मिल ही जाएंगे, दोनों महीने कुल मिलाकर अच्छे ही रहने वाले हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम आपको मिल सकते हैं जुलाई और अगस्त के महीने में। उपाय की बात करें तो यल नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि आप रविवार वाले दिन सूर्य भगवान को रोज़ाना तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, उसमें थोड़ी सी गुड़ डालें और लाल फूल डालें, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रत्येक रविवार को करें, अगर रोज़ाना कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना प्रत्येक रविवार को कम से कम इतना कार्य तो आप करते रहें, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, ये उपाय आप कर लें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एल नाम वाले लोगों के जुलाई और अगस्त महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।